और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेन से अगर आप सफर कर रहे थे तो 31 मार्च तक आप ट्रेन से सफर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन को कैंसिल कर दिया है। सिर्फ मालगाड़ी चलेंगी 31 मार्च तक। कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में तकरीबन 18,000 ट्रेन हर दिन चलती हैं, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं। ऐसे में एक बड़ा फैसला भारतीय रेलवे के द्वारा लिया गया है। 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेन को कैंसिल किया गया है। सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ी खबर इस वक्त की। बिल्कुल, देखिए, रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 31 मार्च तक जो भी ट्रेनें हैं, सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हालांकि एहतियातन आज भी फैसला लिया गया था कि 22 तारीख को जो ट्रेनें चल रही हैं वो सारी ट्रेनें कैंसिल की जाएंगी, लेकिन उसको अब आगे बढ़ा दिया गया। 31 मार्च तक जो ट्रेन है उन सभी ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। साथ ही साथ जो मालगाड़ी है वो तो चलती रहेंगी, उसके अलावा जो सब अर्बन ट्रेनें जैसे कोलकाता मेट्रो की ट्रेन है, कोंकण रेलवे है, इन सबको भी कहा गया कि आज रात से ये ट्रेन भी 31 मार्च रात 12 बजे तक बंद की जाए। तो ट्रेन की तरफ से, रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही थी, जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही थी कि ट्रेन के अंदर जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं वो यात्रा कर रहे हैं, उनसे चीजें फैल रही हैं, इस तरह की चीजें रेलवे की तरफ से ट्वीट की गई। तो उसके बाद एक बड़ी बैठक आज हुई थी रेलवे बोर्ड की, और उस बैठक में फैसला लिया गया कि ट्रेन जो है 31 मार्च तक पूरी रद्द कर दी जाए ट्रेन सेवा। जी रवि, बड़ा फैसला है। रोजाना तकरीबन 20,000 ट्रेन हिंदुस्तान में चलती है। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक रेल नेटवर्क हिंदुस्तान का है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, कल हमने देखा प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर अपील की थी लोगों से सफर ना करने की, उसके बाद एहतियातन लिया गया ये कदम। बिल्कुल, देखिए, संक्रमण का खतरा था, और जिस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही थी, कल मुंबई से जो तस्वीरें आई कि वहां पर काफी भीड़ थी, लोग यात्रा अपने गंतव्य स्थान में जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे उतनी भीड़ थी, और जिस तरह से रेलवे की तरफ से लगातार ट्वीट किया जा रहा था कि संक्रमित लोग ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, कैसे उनको रोका गया, उनको उसके बाद ट्रेन के डब्बे को सैनिटाइज किया गया, इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी। उसके बाद बैठक हुई, रेलवे इस बात को जान रहा था कि 2 करोड़ से अधिक लोग रोजाना रेलवे से यात्रा करते हैं, ऐसे में अगर इस महामारी को रोकना है तो ऐसे में सैनिटाइज करने के लिए बड़ा कदम उठाना था। हालांकि पहले एक फैसला लिया गया था कि सिर्फ आज के लिए ट्रेन जो सेवा है वो रद्द की जाएगी, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही थी उसको देखते हुए रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, एक बड़ी बैठक की गई, उसके बाद तय किया गया कि 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द की जाएं। जी बिल्कुल, तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है, 31 मार्च तक के लिए सभी ट्रेन को कैंसिल किया गया है। रवि, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्या रेलवे की तरफ से साफ किया गया है कि जिन लोगों ने टिकट अपनी बुक करा रखी थी क्या उनको पेमेंट वापस मिलेगा, क्या कैंसिलेशन चार्जेस कटेगा, इस तरीके की कोई स्पष्टता भी? देखिए, इसको लेकर पहले ही रेलवे की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी और कहा गया था कि जो भी ट्रेन हो रही है, जो पहले से बुकिंग करा ली गई है, उनका जो रिजर्वेशन है वो कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा, इसको बाबत पहले ही अधिसूचना जारी कर दी गई थी। हालांकि पहले से प्रयास जारी थे रेलवे की तरफ से, इससे पहले अगर आपको याद होगा रेलवे की तरफ से जो कंसेशन होते थे सारे कंसेशन को हटा दिया गया था, उसमें कहा गया था जो कंसेशन लेते हैं उनको रेलवे में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। तो ये एक तरह से फेज वाइज रेलवे की तरफ से किया जा रहा था। पहले भी बताया गया था कि जिन्होंने ट्रेन में टिकट पहले रिजर्व करा लिया है वो टिकट कैंसिल करा सकते हैं अगर कराना चाहते हैं, इस बार इस पर कोई चार्जेज नहीं लगेगा, जो चार्जेज लगते हैं किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इस तरह की अधिसूचना पहले ही रेलवे की तरफ से दी गई थी कि अगर ट्रेन कैंसिल होती है या कोई अपनी यात्रा का टिकट कैंसिल कराता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज उनको नहीं लगेगा आपको। जी, ऐसा कहा जाता है रवि कि जितनी पूरी दुनिया की आबादी है लगभग इतने लोग भारतीय रेलवे में एक साल में सफर कर लेते हैं। ऐसे में अगर अगले 8 दिन या 10 दिन के लिए ये कदम उठाया गया है तो एक बहुत बड़ा कदम है कोरोना के खतरे को कम करने के लिहाज से। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ये महामारी है इसको फैलने से रोकने के लिए इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता था, क्योंकि लगातार इसको लेकर ट्वीट देकर जानकारी दी जा रही थी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे रेलवे का डिपार्टमेंट हो, लगातार ये जानकारियां दी जा रही थी कि आप यात्रा करने से बचे, क्योंकि जो महामारी है जो कोरोना वायरस से वो संक्रमण है वो एक दूसरे से टच करने से या फिर साथ में ट्रेवल करने से फैल सकता था। क्योंकि 2 दिनों पहले लगातार शिकायत आ रही थी कि ट्रेन में एक दंपति था जिसको सैनिटाइज किया गया था, जिसके बारे में कहा गया था क्वारंटाइन में जाना है, लेकिन वो सफर कर रहे थे, उसके बाद उनको उतारा गया, पूरे डिब्बे को सैनिटाइज किया गया, तो ये खतरा बढ़ रहा था। तो रेलवे भी इस बात को जानते हैं कि अगर महामारी को रोकना है तो ऐसे में कोई बड़ा कदम उठाना था, क्योंकि कोई छोटा फैसला नहीं है। प्रतिदिन करीब 2 करोड़ से अधिक यात्रा ही करते हैं, रेलवे का सफर करते हैं, ऐसे में अगर इस महामारी को रोकना तो इससे बड़ा फैसला नहीं हो सकता था। रवि, सिर्फ जो रेल में सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर नहीं है, बड़ी राहत की खबर नहीं है, बल्कि लगभग 14 लाख लोग जो रेलवे में काम करते हैं
एक शहर की आबादी इतनी होती है जितनी कि रेलवे के कर्मचारियों की संख्या है। यकीनन उनके परिवार के लिहाज से भी लाखों लोगों को राहत मिल रही है, कम से कम वो इस संक्रमण से बच सकेंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्वारंटाइन के जरिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं और जैसा आपने बताया कि उनके जो परिवार वाले उनको भी राहत मिल सकती है, क्योंकि आप देखिए रेलवे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यू कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो सबसे ज्यादा देश में इम्प्लॉई है रेलवे में है, और ऐसे में जो यात्री होते हैं उन यात्रियों में सबको डिटेक्ट करना, सबके थर्मल स्क्रीनिंग करना, उसके बाद उनको रेलवे जाने देना एक बड़ा खतरा था। रेलवे की तरफ से लगातार पिछले एक सप्ताह से इस पर तैयारी चल रही थी कि कैसे इस संक्रमण को रोकना है, कैसे यात्रियों से बातचीत की जाए, कैसे क्या करना, इसलिए फेज वाइज कदम उठाए जा रहे थे। पहले रेलवे की तरफ से किया गया कि जो यात्री जो कंसेशन देते हैं, जो रियायत देते हैं, उनको कट किया जाए। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था, ये इनकरेज किया जा रहा था रेलवे की तरफ से लगातार कि आप अपना अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। साथ ही साथ ये भी रेलवे की तरफ से ऑफर दिए गए थे कि अगर आप अपनी यात्रा का टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। तो फेज वाइज रेलवे की तरफ से चीजें चल रही थी। बहुत से स्टेट हैं जिन्होंने मांग की थी, झारखंड की तरफ से जो उनके मुख्य सचिव उन्होंने चिट्ठी लिखी थी रेलवे के चेयरमैन को, पश्चिम बंगाल की तरफ से भी चिट्ठी ऐसी लिखी गई थी, ये सभी राज्य की तरफ से भी मांग की जा रही थी कि जो उनका एरिया जो राज्य उसको सील किया जाए, उस एरिया में ट्रेन को ना आने दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इससे बाबत रेलवे की तरफ से बड़ी बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। बिल्कुल रवि, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, देखना होगा कि इससे पहले आजाद मुल्क में ऐसा कब ऐलान किया गया था कि 8 से 10 दिन के लिए भारतीय रेलवे, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक नेटवर्क है, उसको रोक दिया गया हो, जिसका असर हर रोज 2,30,00,000 यात्रियों पर पड़ने जा रहा है। अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। हम आपको बता दें कि जितनी पूरी दुनिया की आबादी है लगभग उतने लोग भारतीय रेलवे में साल भर में सफर करते हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको कोरोना वायरस के संक्रमण से दूर रखने के लिए एहतियातन ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। तमाम अपडेट्स हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे और अब आगे विकल्प किस तरीके के हैं इस पर भी आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए।